मुझे इंटरेस्ट नहीं था कोडिंग में इतना, बट यहाँ आने के बाद चीजें पढ़ने के बाद इन डेप्थ जानने के बाद बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है, बहुत हाई लेवल का है। बहुत हाई लेवल का है। कितना हाई लेवल है? बहुत ज्यादा। कितना दिन पहले आए थे यहाँ पर? 3 months होने वाले हैं। It's all about love. I really feel that to take care of some students. से 6 महीने पहले जब मैं नोएडा में घूम रहा था कि कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट मुझे मिले जहां पर जाकर मैं अपनी पूरी की पूरी स्किल को डेवलप कर सकूं, उस समय मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था और फाइनली बहुत मेहनत के बाद मुझे जे स्पाइडर और क्यू स्पाइडर मिला और इतने मेहनत के बाद मैंने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कराया। तो चलो आज इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। गाइस आज हम जाने वाले हैं क्यू स्पाइडर। आज हमारा होने वाला है कोडिंग मैराथन 8 घंटे का, जो पूरे नाइट सेशन होगा और मैं जाऊँगा और ब्लॉग बनाऊँगा और आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ के बारे में बताऊँगा। तो आज की जर्नी यहीं से स्टार्ट करते हैं और चलो चलते हैं नोएडा। अभी हम नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर है और यहाँ आने पर आपको मुश्किल से 200 मीटर के डिस्टेंस पर रजनीगंधा चौक मिलेगा और उससे लेफ्ट लेते ही सिर्फ और सिर्फ चौथी बिल्डिंग जे स्पाइडर की है, क्यू स्पाइडर की है। चलो वहाँ पर पूरा का पूरा आओ, इंक्लाइन दिखाता हूँ। चलो जल्दी। सबसे अच्छी बात कि हमारे बैग में लैपटॉप है और लैपटॉप का वेट बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बन रहा है यार, मुझे ना सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है लैपटॉप का वेट उठाकर चलना, पर क्या करें, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ डेवलपर, एज अ टेस्टर, तुम्हारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होती ही रहेगी। फाइनली अभी हम क्यू स्पाइडर के बिल्डिंग के सामने हैं। ये जो सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है ये है क्यू स्पाइडर और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट पहले से वेट कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमसे पहले पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर एंट्री करने के लिए कुछ प्रोसीजर है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया गया है। तो मैं अभी फ़िलहाल चलता हूँ अंदर की तरफ और दिखाता हूँ एंड चलते हैं। गाइस हेलो, कैसा है भाई? तो कितने बजे पहुँचे अभी? अभी जस्ट अभी एंट्री नहीं हो रही है क्या? कार्ड चेक होगा, कार्ड चेक होगा। एग्जैक्टली हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट। सो सामने रहे हमारे सर। सर मुझे एक बात बताइए, क्या ज़रूरत पड़ गई नाइट कोडिंग मैराथन की? सर हम घर में रहते, हो सकता है कि हम अभी चाय पी रहे होते, कुछ खा रहे होते। हम डे में भी कर सकते हैं, ठीक है जी सर। डे में क्राउड भी था, डेली क्लासेस भी चलते हैं, उतना टाइम नहीं मिलता। हम लोगों ने क्या सोचा, कुछ नया कर, कुछ नया किया जाए। 10 बजे से 5 बजे तक चलने वाला है। और सर अभी टोटल कितने स्टूडेंट आए होंगे, आने वाले कितने? टोटल स्टूडेंट रजिस्टर्ड आई थिंक 250 प्लस स्टूडेंट। तो फिलहाल अभी हम बैठ कर इंतज़ार कर रहे हैं, अभी टाइम बचा हुआ है, अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है। एंड अगर अभी यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं इस साइड से, अभी बहुत सारे स्टूडेंट आ ही रहे हैं। और 10 बजे तक के एंट्री है, उसके बाद बंद हो जाएगा सारी चीज़ें। और ही इज़ द इंजीनियर शहजाद, आज इंजीनियर शहजाद का पूरा टेस्ट होने वाला है। देखते हैं तुम क्या आज तुम्हारा रैंकिंग क्या आता और क्या क्या आता, वो सारी चीज़ें मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। एंड किशन इज़ ऑल्सो एक्साइटेड टू मच। एंड इस साइड में बहुत सारे स्टूडेंट अभी आ रहे हैं और देखो सिक्योरिटी का जो लेवल रखा गया ना, सच में अमेजिंग है। मतलब वहाँ पर एंट्री हो रहा है और जिन जिन लोगों ने एक्चुअली में रजिस्टर किया था उन्हीं को एंट्री दिया जा रहा है, उसके अलावा किसी को एंट्री नहीं मिलने वाला। बाय द वे हमारे और भी बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पर, मैं मिलाता हूँ। हाय प्रिंस, हेलो, कैसे हो? हाय, बढ़िया। रुको, व्लॉग में आ रहे हो आप लोग, और बताओ हाउ मच एक्साइटमेंट यू हैव, क्या निकल रहा है? पूरी कोड निकालोगे अंदर से बाहर? पूरा एकदम एक्साइटमेंट लेवल एकदम। और इस साइड देखो ये सारे, ये रहे हमारे क्लासरूम्स जो वाकई में अल्टीमेट दिख रहे होते हैं। और रात के टाइम में, रात का टाइम है अभी और मैं क्लास को जो देख रहा हूँ ना, सेम टू सेम वैसा ही है जैसा दिन में होता है, लेकिन अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। एंड इस साइड में ये रहा लैब, तो ये लैब है और चारों तरफ CCTV कैमरा वगैरह G3।
लैब में यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बैठ रहे होंगे, कुछ कहीं और बैठ रहे होंगे। स्टूडेंट्स अभी आए नहीं है, सारे आ ही रहे हैं भाई, वहाँ सर पढ़ा रहे होते हैं, उस जगह पर सर पढ़ा रहे होते हैं और यहाँ तक पूरे स्टूडेंट भरे हुए रहते हैं, तो वो जो सीन रहता है ना वो मज़ा आ जाता है देखकर। एंड हमें कभी कभी ना यहाँ पर ठंडी लग रही होती है एसी की वजह से, क्योंकि इस वाले ब्रांच में एसी बहुत टाइट किया गया। हेलो, हाय, कैसी हो? थोड़ा आवाज़ बाहर निकाल कर तुम्हें आज बोलना है। बताओ आज कोडिंग राउंड होने वाला है, तुम्हारे अंदर का एक्साइटमेंट लेवल कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है, बहुत हाई लेवल का है। बहुत हाई लेवल का है? कितना हाई लेवल है? बहुत ज्यादा। डेवलपमेंट में ओके। कितना दिन पहले आए थे यहाँ पर? 3 मंथ होने वाले हैं। 3 मंथ होने वाले हैं। एंड जावा कम्प्लीट हो चुका है? नहीं अभी का, अभी तो कोड चल रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा है। लंच वंच भी लाए? नहीं सर, प्रोवाइड करेंगे ना स्नैक्स। स्नैक्स? वाओ, देख रहे डिनर में करके आई? डिनर पहले से करके आई। तो पूरी रात जाग लोगी या फिर किसी कोने में जाकर? मैं पूरी रात जाग लेती हूं सर। सर आएंगे ना शंभू सर? अच्छा, आई थिंक मैं सर स्टार्टिंग से क्लास कर रही हूं। ओके, जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट। नाउ आई एम मीटिंग फॉर प्लेसमेंट व्हिच विल आल्सो हैपन। नॉलेज वाइज थिंग्स आर रियली गुड, मतलब कोर जावा में मुझे इंटरेस्ट नहीं था कोडिंग में इतना, बट यहाँ आने के बाद चीजें पढ़ने के बाद इन डेप्थ जानने के बाद रियली, मतलब जिन्हें भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा या फिर जो भी स्विच करना चाह रहे यहाँ आए उनकी इंटरेस्ट जरूर जाएगी। पूरी रात जाग लोगी? श्योर, वैसे भी जगते हैं। ऐसे भी एंड आप कितने दिन पहले आए थे जे स्पाइडर? 4 मंथ हो गए। और अभी टेस्टिंग में हो या डेवलपमेंट में? डेवलपमेंट में, जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट। रतन के स्टूडेंट हैं सारे यहाँ पर आ चुके हैं। चलो दिखाता हूँ, ये रही सामने सर है, इस साइड में है भाई। 10 PM to 1 PM और मैं सबसे पीछे लेने के। मिलवाना बाकी है, शंभू सर से मिलवाना बाकी है, मसूर सर से तो मैंने आपको मिलाया है, चलो सर से मिलवाते हैं ना। पर्सनली मैंने क्लासरूम में उत्तम उज्जवल, पर्सनली मैंने उज्जवल को क्लासरूम में बुलाया कि भाई मेरा वीडियो बना दे, इज वेरी हेल्पफुल पर्सन यार, मैं ये चीज अरे दिल से बोल रहा, थैंक यू। पॉलिश नहीं मारो, सच बोल रहा हूँ। ओए नहीं ब्रो, साथ रहेंगे। ओ, अब एकदम सन्नाटा है यार। चलो सर को खोजते हैं, सर अभी आए नहीं। एंड सर अब मैं भी लगभग 6 महीने से यहीं पढ़ रहा हूँ एंड मैंने अपने हर एक व्लॉग में लगभग आपका नाम लिया एंड काफ़ी सारे लोग बोल भी रहे थे कि सर से पर्सनली इंट्रोड्यूस करवाओ। तो सर आप मुझे ये बात बताइए, अभी मैंने जितने 5 स्टूडेंट 6 स्टूडेंट से बात करी है तो सारे आपका ही नाम ले रहे हैं, लाइक आई एम वेटिंग फॉर शंभू सर। तो कुछ ऐसी कौन सी जादू है सर आपके अंदर? सी इट्स ऑल अबाउट लव। आई रियली फील दैट to take care of some student, to guide them, to do something good for them is a big achievement, a greatest thing in life that somebody can do, and that's what I constantly try to do. Someone has come to me with some hope and I try to deliver, I try my best to do something good for them. I guess that is the thing, something that make them to like me, and I'm really thankful for them. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Silence. And then everybody, let everybody hear how the Josh! Thank you. Gulabiya ke jo meri dekhi sharabi ye dil ho gaya. Mujhko oh mere yaaro samajhna mushkil ho gaya. Sir, ab
गाना ही नहीं गा रहे सर। तस्वीर जैसे हो दीवार पे तुझ पे फिदा, मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। स्नैक्स वगैरह चाय वाई का इंतजाम हो गया है, चाय वाई बना ही रहे हैं अभी, अभी चाय वाई बनना बाकी है और बिस्किट विस्किट सब आ गया, सारी चीज़ें आएंगी बिस्किट वगैरह। अच्छा 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 अच्छा, देखो 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 इस सेशन में बहुत भीड़ रहने वाला है, नहीं सारे के सारे आएंगे अभी, जैसे ही वहाँ से सबको, जैसे अभी शायरी वायरी चल रही है अभी वहाँ पर माहौल जमा हुआ है पूरा, वहाँ से जैसे ही सब आएंगे तो अप्रॉक्सीमेट रात के लगभग लगभग 12 के करीब होने वाले हैं। एंड मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ चुका है जब मुझे थोड़ा व्लॉग को स्टॉप देना चाहिए। एंड वाकई में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आज का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। लाइक सबसे अच्छी बात यह है ना कि जब आप एंट्री कर लेते हो तो आप एग्ज़िट नहीं कर सकते हो, और नाइट मैराथन है और यहाँ पर बीच बीच में सर इंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को बुला रहे होते हैं स्टेज पर, जो आकर बीच बीच में कुछ से कुछ बातें बना रहे होते हैं, कुछ कॉमेडी करता है, कुछ जोक मार रहा होता है, तो माहौल बना हुआ रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा सेशन बोरिंग रहता है। तो पहले जब स्टार्ट होने वाला था ना मैराथन, तो मैं ये सोच रहा था कि यार मैं नहीं आऊँगा, पता नहीं क्या होगा, कैसा लगेगा, बुरा लग रहा होगा, पर अभी बहुत मज़ा आ रहा है, पता है इतना मज़ा आ रहा है ना कि हम ना वीडियोज़ बनाने तक का टाइम नहीं दे रहे।